बिसमिल्लाहमान रहीम वालेकुम आज हम बनाएंगे मार्बल केक ये बहुत मज़े की रेसिपी है तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियोस को लाइक करें तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं केक बनाने के लिए हमने लिया है एक मग मैदा आधा कप तेल और एक खाने का चम्मच इसमें कोकोनट पाउडर लिया है खोपरे का पाउडर और दो चाय के चम्मच इसमें बेकिंग पाउडर लिया है तीन अंडे शामिल करेंगे इसमें और चॉकलेट सिरप लिया है मैंने चार खाने के चम्मच आप चॉकलेट पाउडर भी ले सकते हैं कोको पाउडर और एक गिलास हमने ऑरेंज जूस लिया है आप कोई भी फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं और चीनी ली है हमने हाफ कप अब हम एक प्याले में जो है छान लेंगे मैदा और बेकिंग पाउडर अब मैंने मैदा भी शामिल कर दिया है और मैं बेकिंग पाउडर भी इसमें शामिल करके इसको अच्छी तरह से छान लूँगी और जो बीच में गुटलियाँ होती हैं उसको भी मैं चम्मच की मदद से प्रेस करूँगी और छान लूँगी इससे हमारा केक जो है बहुत अच्छा बनेगा और फूलेगा तो चम्मच की मदद से इसे प्रेस करें और अब हम इसमें आधा कप चीनी शामिल करेंगे अब इसमें एक खाने का चम्मच खोपरे का पाउडर शामिल किया है और इसको अच्छी तरह से ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स कर लेंगे और इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी आधा कप तेल और तीन अंडे भी शामिल करेंगे और जो हमने जूस लिया था वो हम आधा आधा करके शामिल करेंगे अभी मैंने आधा कप इसमें शामिल किया है जूस ऑरेंज का और हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से तो बैटर को हमने मिक्स कर लिया था ये अभी थोड़ा थिक है तो हम इसमें आधा कप और जूस शामिल करेंगे अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम बाद में और शामिल कर लेंगे जूस को इसको हमने ना ज़्यादा पतला रखना है ना ज़्यादा गाढ़ा रखना है तो स्मूथ सा हमने बैटर बना लेना है ये अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है तो जो थोड़ा सा जूस रह गया था हम वो भी दोबारा से शामिल करके यानी कि हमने पूरा ग्लास एक जूस का शामिल कर दिया है इसमें अब और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके अब हम दो अलग अलग बाउल में इसको सेपरेट कर लेंगे तो इस तरह से हमने दो बाउल में बैटर को अलग अलग कर लिया है अब हम इसमें चॉकलेट सिरप डालेंगे तो आप इसमें कोकोन पाउडर भी शामिल कर सकते हैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हम लोग एक चॉकलेट वाला बैटर तैयार कर लेंगे तो ये हमने दो अलग अलग बैटर तैयार कर लिया हैं और केक का जो मोल्ट था हमने उसको ग्रीस कर लिया था बटर के साथ अब हम इसमें शामिल करेंगे पहले सादा वाला बैटर एक लेयर हम इसकी शामिल करेंगे और दूसरी लेयर हम चॉकलेट वाले बैटर की शामिल करेंगे तो इसी तरह हम जो हैं लेयर्स को ऐड करते जाएंगे एक एक करके और आप हमारी वीडियोस को ज़रूर वॉच किया करें लाइक भी किया करें शेयर भी किया करें और सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें तो इससे हमारी हर आने वाली नई वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकेंगी और अब हम इसमें एक और जो हमारी लास्ट लेयर रह गई है वो भी इसमें शामिल करेंगे तो अब हमने इसमें सारी लेयर्स ऐड कर दी हैं इसको हम छुरी की मदद से इस तरह डिज़ाइन बना लेंगे और ओवन को हमने पहले से ही 150 डिग्री पर 10 मिनट के लिए गर्म कर लिया था और इसके बाद हमने केक को 30 से 35 मिनट के लिए बेक कर लिया है और केक हमारा अच्छे से बेक हो चुका है इसको हम 10 मिनट के लिए इस तरह से कवर करके छोड़ देंगे ताकि ये सॉफ़्ट हो जाए उसके बाद हम इसको इसकी साइड्स में से जो है छुरी की मदद से इसको अलग कर लेंगे और जैसा कि आप देख सकते हैं कि के केक हमारा कितना अच्छे से बेक हो चुका है और ये बहुत ही सॉफ्ट बना है आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और हमारी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें उम्मीद है आपको ये अच्छी लगी होगी रेसिपी हमारी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको आसानी से मिल सके